घुटनों में दर्द है, बेड से आप नीचे जब भी पाँव रखते हो सोने के बाद बहुत ही एक पेन जैसा महसूस होता है, टॉयलेट पे जाते हो तो टॉयलेट में बैठने के टाइम में बहुत ज्यादा पेन होता है और उठने के टाइम में भी आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा सा पेन हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आपको वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनन्या, आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आशा करूंगी आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर कुछ शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे चैनल के ऊपर एकदम परफेक्ट है और मैं आशा करूंगी आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बनने वाले वीडियो। आप लोगों को मेरे साथ लास्ट तक जरूर रहना है। वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके हिसाब से जिनके साथ जरूरी है ये वीडियो शेयर करना। सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे से जुड़े रहने के लिए। मैं मेरे चैनल के ऊपर ढेर सारे वीडियो डालते ही रहती हूँ, स्पेशली वुमेन्स के लिए। इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ओजीबा हार्बोन्स फॉर जॉइंट पेन। तो ये कैसा है, क्यों मैं आपके सामने लेके आई हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। पहले बोल देती हूँ, ओजीबा जो हार्बोन्स लेके आए हैं ये पूरा प्लांट बेस्ड है। तो इसे मैं क्यों इतना प्रेफर करूंगी आप सभी के लिए, क्योंकि मैं कैल्शियम लेना बहुत पसंद करती हूँ, अपनी डाइट में मैं कैल्शियम ऐड करती हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ आप लोगों के पास कैल्शियम सप्लीमेंट हो, वो केमिकल फ्री हो, पूरा प्लांट बेस्ड हो। प्लांट बेस्ड होगा तभी जाके आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहेगा और कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये सिर्फ कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम के साथ आपको विटामिन डी देगा, विटामिन डी जो कैंसर सेल्स को ग्रो नहीं करेगा और हार्मोन भी बैलेंस में रखेगा। आपके घर में एजेड पर्सन है तो उनके लिए परफेक्ट है, मिडिल एज पर भी इसका बहुत जरूरत होता है। और हम तो आजकल के दिनों में बहुत सारे सप्लीमेंट लेना भी पसंद करते हैं, तो मेन टॉपिक के बारे में अभी बात करेंगे। आप देखोगे कभी कभी आप चल रहे हो, घूम रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, कभी कभी पैर में साउंड होता है, कुछ ऐसा बॉडी के साथ साउंड जैसा आती है। तो वो साउंड कब होता है, जब कैल्शियम की कमी रहती है ना, तो बोन्स अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते, बोन्स में कैल्शियम की कमी दिखाई देता है, तब जाके ये प्रॉब्लम, ये साउंड आएगी। ये सब कुछ कारण है ये कैल्शियम, कैल्शियम का जब कमी रहती है ना, तब जाके ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मुझे भी हुआ था, मेरे फैमिली के साथ ले रही ओजीबा प्लांट बेस्ड हेडबोन्स, जो मैं बहुत ही प्रेफर करूंगी आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मैं कैल्शियम सप्लीमेंट लेती हूँ। तो कुछ दिन पहले ही हेडबोन्स को लॉन्च किए हैं और आप तो सभी ने जानते हो मैं ओजीबा प्रोडक्ट रिव्यू भी करती हूँ आप लोगों के लिए। जो मुझे पसंद आती है मैं यूज करती हूँ, उसी मैं आपके सामने लेके आती हूँ। आपके घर में एजेड पर्सन है, ज्वाइंट पेन में सफर कर रहे हैं, मिडिल पर्सन भी ज्वाइंट पेन में सफर कर रहे हैं, तो ज्वाइंट पेन, घुटनों में दर्द, ये सभी के लिए कॉमन हो चुका है, 20 के बाद सभी के लिए कॉमन हो चुका है। तो आपके घर में किसी का ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप तुरंत इसे ठीक करने के लिए क्या करते हो, बाम लगाते हो, ऑइंटमेंट लगाते हो, लेकिन आपको इमिडिएटली थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ वो ठीक हो गया है। लेकिन देखो वो ऑइंटमेंट, वो बाम आपकी स्किन के ऊपर काम करेगा, थोड़ा सा रिलीफ आपको देगा, लेकिन फिर से स्टार्ट हो जाएगा वो प्रॉब्लम। तो वो जड़ों से आपको ठीक करना है, वो हो रहा है कैल्शियम की कमी से। तो कैल्शियम आपको ठीक रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसीलिए कैल्शियम को इनटेक करना बहुत ही जरूरी है। सप्लीमेंट बोलेंगे तो कैल्शियम एक सप्लीमेंट है जो हर किसी के लिए लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 30 के बाद। वुमेन्स के बॉडी में 30 के बाद जाके कैल्शियम की कमी रहती है, तो उनके लिए तो स्पेशली 30 के बाद स्टार्ट कर देना ही चाहिए रेगुलर बेसिस अपनी डाइट में। आप कभी कभी ले सकते हो, 6 महीने में एक बार आप कैप्सूल ले सकते हो, आप 30 से कम उम्र में हो तो। जैसे मैं रखती हूँ अपनी डाइट में, कभी कभी शामिल करती हूँ, कैल्शियम लेना पसंद भी करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कुछ ऐसा वॉकिंग करने के टाइम में, थोड़ा सा चलने के टाइम में बॉडी में कुछ ऐसा साउंड जैसा आती है, तो बोन्स के अंदर वो कैल्शियम की कमी के थ्रू आती है। तो उसे मेंटेन रखने के लिए, और कैल्शियम आप लोगे तो आपको विटामिन डी भी मिल जाएगी, उसके साथ आपका हार्मोन्स भी बैलेंस में रहेगा, इसीलिए आपको कोई भी केमिकल वाला कोई भी प्रोडक्ट ना लो तो अच्छा है। प्लांट बेस्ड कुछ भी आप ले सकते हो। तो मैं जो यूज कर रही हूँ और मुझे जो पसंद आए हैं वही मैं आपके साथ ऑब्वियसली बोलूंगी, वही शेयर करूंगी। इसीलिए ओजीबा प्लांट बेस्ड हेडबोन्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो मैं भी यूज कर रही हूँ मेरे फैमिली के साथ, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी यूज करो, बहुत ही असरदार है, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसे क्यों पसंद करती हूँ, ये सोया फ्री, ग्लूटेन फ्री, नो प्रिजर्वेटिव, नॉन जीएमओ, और ऊपर से ये प्लांट बेस्ड, इसीलिए ये बिल्कुल भी केमिकल फ्री है, विद आयुर्वेदा सॉल्यूशन,
सब कुछ मिला के ये पूरा पैकेज में मील रहे हैं आपको। बाहर से क्यों केमिकल वाला टैबलेट कैल्शियम का जो मिलता है वो लेके आना है आपको। ऑब्वियसली आप ये कैल्शियम को ट्राई कीजिए। तो गाइज, मार्केट पर बहुत सारे कैल्शियम सप्लीमेंट अवेलेबल है। व्हाट स्पेशल अबाउट ओजीपा प्लांट हर्बल्स? ओजीपा प्लांट बेस्ड हर्बल्स इज मेड फ्रॉम 100% नेचुरल एंड प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स टू सपोर्ट बोन स्ट्रेंथ। ये प्रिवेंट करेगी कैल्शियम लॉस को फ्रॉम द बोन्स। वुमेन्स बॉडी पर एस्ट्रोजन हार्मोन बैलेंस को मेंटेन में रखने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इट हैज प्लांट बेस्ड कैल्शियम अलोंग विद वेगन विटामिन D3 एंड K2 MK7। MK7 का काम क्या है? ये एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस में रखती है। एस्ट्रोजन लेवल बैलेंस में रहेगा तो लो बोन डेंसिटी का जो चांसेस है, मतलब इंक्रीज जो होती है बोन फ्रैक्चर होने का, वो नहीं होगा। लो बोन डेंसिटी के कारण ही ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो ये इसे आप प्रिवेंट कर सकते हो आपके बॉडी में K2 MK7 आप इंटेक करते हो। 3 गुना ज्यादा हायर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू रॉक एंड सिंथेटिक कैल्शियम। इट ऑल्सो हैज विटामिन सी, मैग्नीशियम एंड बोरन फॉर बेटर बोन स्ट्रेंथ। कम विथ स्टैंडर्डाइज्ड हर्बल एक्सट्रैक्ट लाइक लोद बार्क अशोका एंड ब्लैक कोहोस्ट टू बैलेंस हार्मोन्स एंड एस्ट्रोजन लेवल, जिसके कारण लो बोन डेंसिटी और कैल्शियम लॉस सब कुछ वुमेन्स के बॉडी में होती है ये हार्मोन्स के कारण, तो उसे भी प्रिवेंट करेगा और प्रिवेंट करेगा। तो गाइस, प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मैं कैल्शियम लेना स्टार्ट की थी, तब तो प्लांट बेस्ड मुझे नहीं मिला था, और उसके बाद भी मैं कैल्शियम प्रेफर करती हूँ। मेरे डॉक्टर भी मुझे सजेस्ट किया था कैल्शियम लेने के लिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि कैल्शियम सिर्फ बोन्स को ही ग्रोथ नहीं करते, बोन्स को डेवलप नहीं करते, बोन्स को अच्छा नहीं रखते, उसके साथ साथ आपके नेल्स, हेयर, स्किन, आपके हार्मोन्स, सब कुछ ये ट्रीट करता है। सब कुछ के लिए ये फुल पैकेज आपको मिल रहा है, इसलिए मैं कैल्शियम लेती हूँ। उसके बाद जाके आपको हर रोज लेना होगा। आपके घर में 80% है, 30 के ऊपर कोई भी है, 30 से है, तो आप लेना स्टार्ट करो। हर रोज आपको लेना है कैल्शियम, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि प्लांट बेस्ड है। तो ये परचेस करने का लिंक ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, प्लीज चेक कर लीजिएगा। आप क्या करते हो, कैल्शियम लेते हो या नहीं लेते हो, प्लीज कमेंट में आके बताओ। आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में आके जरूर पूछो, मैं जितने जल्दी हो सके आंसर देने के लिए ट्राई करूंगी। इसके लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे, तब तक ले टाटा बाय बाय।